कमाई कर सकती है बॉक्स ऑफिस पर। क्या पूजा हेगड़े हो गई थी कोरोना पॉजिटिव? क्या प्रभास संस्कृति लेंगी फेल? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉली ब्रास स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ राधे श्याम मूवी से जुड़ी और मूवी में शामिल कलाकारों से जुड़ी ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बाहुबली फेम प्रभास की 20वीं फिल्म राधे श्याम का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। इसमें भी अभिनेत्री पूजा हेगड़े के साथ रोमांस करके नजर आएंगे। इस मूवी के पोस्टर को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। यह एक पीरियड रोमांस मूवी है जिसकी ज्यादातर शूटिंग यूरोप में होगी। सामने आए पोस्टर में प्रभास व्हाइट और पूजा रेड गाउन में नजर आ रही है। वहीं बैकग्राउंड में यूरोप का स्टनिंग लुक सेट किया गया है। प्रभास मूवी में ज्योति की भूमिका में दिखेंगे। प्रभास के फैंस इस जोड़ी को माइंड ब्लोइंग बताते हुए खूब पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रभास के फैंस राधे श्याम की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। उनके फैंस का कहना है कि राधे श्याम बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ की कमाई करेगी। मूवी से जुड़ी 3 हैशटैग्स भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। इस फिल्म में प्रभास एक्शन नहीं बल्कि जमकर रोमांस करते दिखेंगे। ये फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है, जिसे गुलशन कुमार और टी सीरीज द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यूवी क्रिएशन द्वारा निर्मित इस फिल्म में आज प्रभास और पूजा हेगड़े की पहले लुक को रिलीज कर दिया गया है। बता दें कि इस मूवी में भाग्यश्री, मुरली शर्मा, सचिन खेड़ेकर, प्रियदर्शी, शाशा शेट्टी, कुणाल रॉय कपूर और सन्य जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। इससे पहले प्रभास साउथ में श्रद्धा कपूर के साथ नजर आए थे, जिसे टी सीरीज ने ही हिंदी में प्रोड्यूस किया था। कुछ महीनों पहले देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही थी। हर जगह कोरोना का प्रकोप था। रोजाना लाखों लोग इससे संक्रमित हो रहे थे और हजारों लोगों की जानें जा रही थी। देश के बड़े राज्यों का हाल सबसे बुरा था। महाराष्ट्र में आम से लेकर खास तक हर कोई कोरोना की चपेट में आ रहा था। अब तक कई सेलेब्स कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और अप्रैल में पूजा हेगड़े ने बताया था कि उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी। पूजा ने ट्वीट करके बताया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। इसके बाद पूजा ने लोगों को घर में रहने की अपील की और जब पूजा हेगड़े पूरी तरह से ठीक हो गई तब उन्होंने अपनी अपकमिंग मूवीज में वापस काम करना शुरू कर दिया। बॉलीवुड फिल्म अदाकारा कृति सैनन इन दिनों अपनी बेहतरीन फिल्मों के जरिए लोगों का दिल जीतती नजर आ रही है। उनकी हालिया नेटफ्लिक्स रिलीज फिल्म मिमी को भी दर्शकों से बेहद जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। दर्शकों के साथ साथ ये फिल्म क्रिटिक से भी अच्छे नंबर पाने में कामयाब रही थी। इसके बाद एक्ट्रेस अपनी अगली फिल्मों की तैयारी में जुट गई है। मूवी अदाकारा कृति सैनन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग में बिजी है। इस मूवी में एक्ट्रेस साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ नजर आने वाली है। मूवी में कृति सैनन सीता का किरदार निभाएंगी, जबकि प्रभास प्रभु श्री राम के किरदार में दिखेंगे। इसी बीच एक्ट्रेस कृति सैनन ने एक ऐसा बयान दिया है कि कई लोग इसे सुनकर हैरान हो गए हैं। मूवी अदाकारा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वो आकर प्रभास से शादी करना चाहेंगी। एक मिनट, अगर आप ये सुनकर खुशी से उछल पड़े हैं तो बता दें कि मूवी स्टार कृति सैनन ने ये खुलासा इंटरव्यू के एक सवाल पर किया था, जिसमें एक्ट्रेस को 3 ऑप्शंस दिए गए थे। एक्ट्रेस से पूछा गया था कि वो प्रभास, कार्तिक आर्यन और टाइगर श्रॉफ में से किसके साथ अफेयर और शादी करना पसंद करेगी। इस सवाल के जवाब में एक्ट्रेस ने कहा था कि वो कार्तिक आर्यन के साथ फ्लर्ट करना पसंद करेंगी, जबकि टाइगर श्रॉफ के साथ अफेयर करना चाहेंगी, लेकिन शादी वो सुपरस्टार प्रभास के साथ करना चाहेंगी। कृति सैनन के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। साउथ सुपरस्टार प्रभास के फैंस कृति सैनन के इस खुलासे पर खुशी से झूमने लगे। वेल, अब देखना होगा कि प्रभास की राधे श्याम कितनी हिट होती है। क्या कृति और प्रभास की केमिस्ट्री आदि पुरुष में लोगों को पसंद आती है या नहीं? आप अपने ओपिनियंस हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।